हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बीके सर हनमत क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो आसमासिस, परासरण क्या है, आसमासिस क्या है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए देखते हैं। ये देखिए, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और ये मेम्ब्रेन क्या कर रही है कि ये देखिए, ये जो डॉटेड बनाए गए हैं ये सोलूट के मॉलिक्यूल्स हैं और ये जो सर्कल सर्कल है ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को तो सोलूट मीन्स सोल्यूशन, जहाँ है सोल्यूशन में आने की इजाज़त देते हैं, लेकिन इसको वहाँ जाने की इजाज़त नहीं देते हैं। तो कह रहा है द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू अ सोल्यूशन, मीन्स ये सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ देखिए ये मोशन हो रही है, सोल्यूशन और फ्रॉम डायलूट सोल्यूशन टू ए कंसनट्रेट सोल्यूशन। जाहिर सी बात है, सॉल्वेंट है तो डायलूट है और उसमें कुछ मिला दिया गया तो उसकी कंसनट्रेशन तो बढ़ ही गई है। तो ये जो होता है इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। तो कह रहा है द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू अ सोल्यूशन और फ्रॉम अ डायलूट सोल्यूशन टू अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोसिस या इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, देखिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कह रहा है कि ऐसी मेम्ब्रेन, दोज मेम्ब्रेन विच ओनली अलाउ द मोशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट बट नॉट द सोलूट मॉलिक्यूल्स। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को आने जाने की इजाज़त देता है लेकिन सोलूट मॉलिक्यूल को नहीं। आर नोन एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बहुत सारी हैं। एनिमल मेम्ब्रेन है, एग मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। तो एनिमल मेम्ब्रेन में गोट की ब्लाडर है और लेकिन ट्रॉब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1864 में बनाया था क्या, एक परफेक्ट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सबसे बेस्ट क्वालिटी की, और वो कॉपर फेरोसाइनाइड से बनाया। तो अकॉर्डिंग टू एम ट्रॉब 1864, मेम्ब्रेन ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड इज कंप्लीटली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कंप्लीटली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो अब इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोसिस के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर देखिए क्या है, द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विच सेपरेट द सोल्यूशन फ्रॉम सॉल्वेंट बाय द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज द मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। वही ऑस्मोटिक प्रेशर की माप है। क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं, उसमें एक डी डेंसिटी का लिक्विड रखा होता है और उस लिक्विड में एक थिसिल फनल उल्टा करके रखते हैं। अगर उसमें जैसे ये मान लीजिए ये थिसिल फनल की वो ट्यूब है और उसमें वाटर इस लेंथ तक आती है और जिसकी हाइट h है, तो वहाँ क्या होता है, वही हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की बात हो रही है। तो इफ़ द सोल्यूशन राइज अप टू द हाइट h इन द ट्यूब देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन p इज इक्वल टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, हाइट ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब इनटू डेंसिटी h इनटू d, डी इज द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। फिर अब आगे इसी में कुछ रूल्स दिए साइंटिस्ट ने, उसमें पहला नाम बायल वांट, बायल का आता है, तो बायल का हम लोग गैस लॉ भी पढ़े हैं, बायल वांट हाफ लॉ। तो बायल वांट हाफ लॉ क्या कहता है कि इस लॉ से क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी सोल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर जो होती है उसकी कंसनट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एनी सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसनट्रेशन। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर पी है और कंसनट्रेशन सी है, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी।
और हम जानते हैं कि एक कांस्टेंट लगाया पी इज इक्वल टू के सी हो जाएगा, लेकिन अगर सोलूट का वन मॉलिक्यूल सोल्यूशन के वी लीटर वॉल्यूम में हो तो सी इज इक्वल टू वन अपॉन वी हो जाएगा, तो उसको यहाँ रख लेंगे और पी वी इज इक्वल टू के। ये जस्ट लाइक और बायल्स लॉ फॉर गैसियस में जो दिया गया था सिस्टम में, लेकिन इसको याद करने का मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ। वी आई पी बॉय बायल नियम को याद करने का सबसे आसान तरीका वी आई पी बॉय। वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये क्या होगा बायल ला होगा, और उसी से रिलेटेड ये बायल्स वांट हाफ ला भी आ गया है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको बायल वांट हाफ ला अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चार्ल्स वांट हाफ ला देखते हैं। तो चार्ल्स वांट हाफ ला क्या होता है आइए देखते हैं। चार्ल्स वांट हाफ ला, तो ये आपका चार्ल्स वांट हाफ ला। चार्ल्स वांट हाफ ला क्या होता है, वहां टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहां कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर अब क्या हो जाएगा, ये पी प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा, और पी इज इक्वल टू के डैश टी, पी इज इक्वल टू के डैश टी। अब हम आगे चलते हैं तो निकाल लेते हैं वांट हाफ इक्वेशन, वांट हाफ इक्वेशन, वांट हाफ इक्वेशन बहुत इजीली आ जाएगा अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ। बायल्स वांट हाफ लॉ, बायल्स वांट हाफ लॉ, बायल्स वांट हाफ ला क्या होगा, पी प्रोपोर्शनल टू सी, पी प्रोपोर्शनल टू सी, या पी प्रोपोर्शनल टू वन अपान बी हो जाएगा, और पी प्रोपोर्शनल टू वन अपान बी, ठीक। और अकॉर्डिंग टू चार्ल्स वांट हाफ ला, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स वांट हाफ ला, चार्ल्स वांट हाफ ला क्या हो जाएगा, पी प्रोपोर्शनल टू टी। इसको इक्वेशन दो बना लेते हैं, इसको इक्वेशन एक बना लेते हैं, दोनों को एक में कर देते हैं। तो दोनों को एक में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम वन एंड टू, वन एंड टू, तो अब वन एंड टू में पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी अपान वी हो जाएगा, और यहाँ एक कांस्टेंट आर लगाते हैं आर टी अपान वी, और ये हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू आर टी, पी वी इज इक्वल टू आर टी। तो अब पी वी इज इक्वल टू आर टी जब ले लेंगे हम, तो ये क्या होगा,
फॉर वन मोल ऑफ सोल्यूट, फॉर वन मोल ऑफ सोल्यूट, इसी को जनरलाइज कर देते हैं, यहां लिखते हैं जगह जगह यहां ज्यादा है, फॉर एन मोल, फॉर एन मोल, तो ये हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो एक फार्मूला आपको ये मिला, दूसरा ये मिला, सिंस एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम आर टी, डब्ल्यू बाई एम होता है, और सी इज इक्वल टू एन अपान बी होता है, तो ये हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम आर टी। एक फार्मूला ये यूज कर सकते हैं, और ये यहाँ से एन अपान बी, तो ये P इज इक्वल टू सी आर टी, पी इज इक्वल टू सी आर टी, एक और फार्मूला यूज कर लेंगे, और ये R की वैल्यू, R की वैल्यू याद रखिएगा 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, लेकिन हम 0.082 ही लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, बायल्स वान थाफला, चार्ल्स वान थाफला और वान थाफ इक्वेशन सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपने स्क्रीनशॉट भी अच्छे से ले लिया होगा। अब आपका इस चैप्टर में और टॉपिक बचता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और राउल्ट्स रूल, और इसके बाद हेनरीज ला। तो दो टॉपिक इसमें से न्यूमेरिकल वाले भी हैं, तीन, राउल्ट्स ला, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये सब हम लोग अपने अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, एंजॉय कीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।